नौमी भदई अमावस पर हजारों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से गंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। आपको बता दें कि स्नान के बाद श्रद्धालु ने तट पर बैठे पंडों को दान भी दिया, जिसके अलावा तमाम श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण भी किया। बीते शुक्रवार को भी नक्षत्र लगने के बाद अमावस होने के कारण गंगा स्नान के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा था। आपको बता दें कि कानपुर, उन्नाव, बांगरमऊ, बाराबंकी, अचलगंज, बीघापुर, पुरवा, नवाबगंज, लखनऊ समेत तमाम स्थानों के अलावा नगर व आसपास के मोहल्लों से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।